भागलपुर के नए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने सोमवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन से पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व जिलाधिकारी का रेड कारपेट वेलकम कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने डीएम सुब्रत कुमार सेन से पदभार ग्रहण करने की औपचारिकता पूरी की। पदभार ग्रहण करने के बाद पेशे से चिकित्सक रहे जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सबसे पहले वो जिले की तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जबकि उनकी पहली प्राथमिकता जिले में चल रहे विकास कार्यों से जुड़े सभी प्रोजेक्टों पर तेजी से काम करवाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की होगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जिले की पूरी टीम और जनता के साथ शांति समिति एवं बुद्धिजीवी वर्गों का उन्हें बेहतर सहयोग मिलता रहा। इसके अलावा उन्होंने आगे भी नए जिलाधिकारी के नेतृत्व में विकास कार्य और जनहित से जुड़े कार्यों की लगातार प्रगति होने की बात कही। इस दौरान डीडीसी कुमार अनुराग समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करूँगा और मैं देखूँगा कि लोगों की समस्याएं मूल रूप से क्या हैं और उसको प्रायोरिटाइज करूँगा, और प्रायोरिटाइज करने के बाद मैं प्रयास करूँगा कि एक एक को हम लोग रिजॉल्व करें। और दूसरा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जिले का विकास तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ग्रोथ दें ताकि लोगों को हर मामले में सुविधा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी जिसको कि मैं सबसे पहले रिजॉल्व। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया है, जबकि नवल किशोर चौधरी भागलपुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। इसको लेकर रविवार को जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर जिला अतिथि गृह में विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के तमाम आला अधिकारी एवं कर्मियों ने शामिल होकर सुब्रत कुमार सेन को विदाई दी। साथ ही नवल किशोर चौधरी के भागलपुर में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापन को लेकर उनका स्वागत किया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन को बुके, अंगवस्त्र और कई तरह के उपहार देकर उनके बेहतर स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना की गई। साथ ही पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में भागलपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों और विभागों में किए गए विकास कार्य की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करने को लेकर भी तमाम पदाधिकारियों ने डीएम सुब्रत कुमार सेन की जमकर सराहना की। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि भागलपुर में जिलाधिकारी के रूप में सुब्रत कुमार सेन का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। जिले के हित से जुड़े कार्यों के लिए वे हमेशा सजग रहे। इधर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर उनके लिए खास है। यहां उनके द्वारा शहर के हित में जो भी कार्य किया गया उसमें पूरी टीम का अहम योगदान रहा है, जबकि उनकी पुत्री का जन्म भी भागलपुर में हुआ, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से भी भागलपुर से उनका नाता जुड़ा रहेगा। वहीं नवपदस्थापित जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि डीएम सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जो भी बेहतर कार्य किया गया है उसको आगे बढ़ाते हुए जनहित के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भागलपुर जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलने की बात कही। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर को भी पुष्पगुच्छ, मंजूसा पेंटिंग और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, एडीएम महफूज आलम समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। 3 साल का एक लंबा समय होता है और बहुत अच्छा लगा भागलपुर में। यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट संजोग से उस समय ही क्रियान्वित होने थे, चाहे फोर लेन हो, विक्रमशिला के पैरेलल पुल हो, भोलानाथ पुल हो, वीरपुर वीरपुर का ब्रिज हो, और भी SC ST के लिए जो आवासीय विद्यालय, PBC के लड़कों के लिए स्कूल, और बहुत कुछ जो उस समय में चूंकि होना था और संजोग था कि मेरा पदस्थापन उस समय भागलपुर जिले में था, तो कई सारे कार्यों को करने का, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का मौका मिला। लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला, सारे पदाधिकारियों का, जिसने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, नीचे ब्लॉक अंचल और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग बननी है, वो भी स्वीकृत हो चुकी है, मल्टी लेवल पार्किंग भी बन जाएगा, तो बहुत सब कुछ जो है चूँकि इस समय में सारा प्रोजेक्ट आया और एग्जीक्यूट हुआ, तो उससे काफ़ी काम इस जिले में हुआ और टीम का पूरा सहयोग मिला। चाहे वो आपदा की स्थिति हो, जो 2021 में पुराना सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ और अप्रत्याशित बाढ़ आई, या इलेक्शंस हो पंचायत का, नगर विकास का, MLC चुनाव का, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब लोगों का, स्थानीय लोगों का, शांति समिति का, सिविल सोसाइटी का, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और सब लोगों के सहयोग से 3 साल जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार की प्रायोरिटी है वो तो करने का मौका मिला। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत महाविद्यालय में सोमवार को एक छात्रा ने आक्रोशित होकर अपना आपा खो दिया, जिस कारण कॉलेज परिसर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। मामले को लेकर जानकारी मिली कि शिक्षिका द्वारा पहचान करने के लिए हिजाब हटाने की बात कहे जाने पर छात्रा उग्र हो गई और वह शिक्षिका के साथ हाथापाई पर उतर आई। वहीं मामले को लेकर पीड़ित शिक्षिका डॉक्टर श्वेता ने बताया कि वो सबौर कॉलेज में अर्थशास्त्र की फैकल्टी के तौर पर कार्यरत है। सोमवार को स्टाफ रूम में जब वो बैठी थी तभी एक छात्रा पहुंची और उसने क्लास में शिक्षक के अनुपस्थिति की बात बताई, जिस पर डॉक्टर श्वेता ने पहचान के लिए उक्त छात्रा को चेहरा से नकाब हटाने को कहा। तभी छात्रा ने कहा कि यह उनके धर्म के विरुद्ध है और वो आक्रोशित हो गई। छात्रा के इस रवैये से माहौल खराब होता देख शिक्षिका ने उसे स्टाफ रूम से चले जाने को कहा, जिस पर छात्रा ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान कॉलेज के सभी विद्यार्थी एकत्रित हो गए, जिस कारण कॉलेज परिसर के भीतर गहमागहमी बढ़ गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही सबौर थाना की पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी प्रभारी प्राचार्य से लेकर शिक्षिका और छात्रा को थाने ले आई, जहां दोनों ने घटना की जानकारी सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल के समक्ष साझा किए। थाना प्रभारी ने शिक्षिका और छात्रा को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। हालांकि शिक्षिका के साथ हुई इस घटना के बाद वो काफी डर गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार कॉलेज के बच्चे व्यवहार करेंगे तो कॉलेज आना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं छात्रा ने अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए वादा किया कि वह इस तरह की भूल दोबारा नहीं करेगी, जिस पर शिक्षिका ने भी छात्रा के भविष्य को देखते हुए उसे माफ कर दिया। बता दें कि छात्रा स्नातक फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही है। वहीं थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों से पीआर बॉन्ड भरवाकर उन्हें वापस भेज दिया, जबकि प्रभारी प्राचार्य ने भी इस घटना की निंदा की है और प्रशासन एवं कॉलेज प्रबंधन से इस तरह की घटना दोबारा न हो इसको लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की गई है। हम सबौर कॉलेज सबौर में अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं। मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी, एक बच्ची आई, वो अर्थशास्त्र फैकल्टी की है नहीं पता चला जैसा कि अभी, वो आई पूछी मैम क्लास कहाँ हो रही है, मेरी मैम कहाँ है। बोले कि बाबू तुम किस फैकल्टी की हो, वो नकाब में थी। बोले नकाब हटाना थोड़ा, तुम किस कॉलेज की हो पता नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म के खिलाफ है मैम ये, और नकाब हटाने से वो मना की। उसके लिए हम उसको बोले कि तुम स्टाफ रूम से बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम से बाहर नहीं जाएंगे हम, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, यहाँ बच्चा है, ये बॉयज़ हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, इनके सामने हम नकाब नहीं। बोले इसमें यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है, ये कॉलेज है, यहाँ धर्म नहीं होती है। और उस बच्ची को वहाँ से हटा के हमको लाना पड़ा, और इस वजह से उसको थोड़ा अब वो माफ़ी मांग रही है कि मैम हमसे गलती हो गई है, हमें पता नहीं था। उसने हमला वगैरह भी किया आप पर, देखता हूँ मैं। हाँ हाँ, वो बच्ची उसको स्टाफ रूम से बाहर निकालने के दौरान वो उन्होंने अपने नाखून से मेरे फेस पे, नाखून होंगे, बच्ची हाथ लगाई फेस पे आ गया और फेस पे मेरा सारा ये है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आगे क्या किया, आगे क्या किए और कहाँ आए आप लोग? आगे कॉलेज की माहौल बहुत ख़राब हो रहा था, सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के बच्चे मैम के ऊपर को लगा कि मैम को हमला हो गया है, मैम पे बहुत बड़ा हमला हो गया, तो वो लोग एग्रेसिव हो गए और उस चीज़ को शांत करने के लिए हमको यहाँ सबौर थाना प्रभारी के पास आना पड़ा। हमारे महाविद्यालय में आज ऐसा देखने को मिला कि एक छोटी मोटी घटना घटी जो कि अशोभनीय है। छात्रों को अनुशासित, छात्र एवं छात्राओं को अनुशासित रहना चाहिए, शिक्षकों से या शिक्षिकाओं से उचित बात करनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के संबंध में उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना चाहिए। लेकिन हमारे महाविद्यालय के शिक्षिका से उलझ जाना ये अच्छी बात नहीं है, जो अशोभनीय है। और हम क्या विशेषज्ञ। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल
9341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंशी पट्टी गंगापुर निवासी दीपक कुमार की पत्नी ने अपने पड़ोसी और सुल्तानगंज थाना की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़िता किरण कुमारी ने सोमवार को एसएसपी आनंद कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले लखन लाल साह के पुत्र अरुण कुमार के द्वारा दीवार की छेद से स्नान करते वक्त महिला का वीडियो बना लिया गया, जिसका विरोध करने पर अरुण कुमार उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। साथ ही रात के वक्त भी दरवाजा खटखटाकर आरोपी द्वारा महिला को परेशान किया जाने लगा। महिला ने बताया कि उसके पति शहर के बाहर रहकर काम करते हैं। बीते 17 जनवरी की शाम भी अरुण कुमार नहाने का वीडियो बनाने लगा, जिसका विरोध करने पर उसके बुजुर्ग ससुर छुट्टी पर घर आए, उसके पति और उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें उसके ससुर का सर फट गया और वो घायल हो गए। मामले इधर एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता ने प्रशासनिक तंत्र से उसे न्याय देने की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। बता दें कि पीड़िता द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कई वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। हम बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं तो लड़का वीडियो बनाते हैं, बोलने के बाद सबको मारपीट घर में घुस के करते हैं और पिताजी को लोहे के रड से सिर फाड़ दिया। कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2010 में हुई है। कौन आपके साथ करता है, क्या करता है? मेरे साथ बगल के पड़ोसी अरुण कुमार करते हैं। हाँ। और बड़ा बड़ा हॉल बना दिए हैं दीवार में और बंद करने बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं करेंगे बंद। और उससे क्या करते हैं? उससे वीडियो बनाते हैं बार बार। आप मना नहीं किए? मना करने के बाद वो जो है धमकी देता है जान से मारने का और बोलते हैं कि बोलोगी किसी को तो उसको भी जान से मार देंगे हम और तुमको भी मारेंगे। थाना पुलिस में गए थे आप? थाना पुलिस में गए। हाँ। कोई कार्रवाई कम नहीं हुआ। एसएसपी साहब के पास? एसएसपी साहब के पास भी आए। हाँ। तो बताए तो यहाँ से फोन किए एसएसपी साहब सुल्तानगंज थाने में, तब एफआईआर लिया था। कितने दिन से, कितने साल से परेशान कर रहा है आपको? 3 साल से परेशान कर रहा है हमको अरुण कुमार। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय दीजिए या तो पुलिस वाला ही आके हम लोग को मार दीजिए। बांका अमरपुर के घरानी के समीप बाइक और ट्रैक्टर के बीच एक जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 2 युवकों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा घायल शिक्षक राहुल कुमार और सोनू कुमार को जख्मी स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की मौजूदगी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोग ड्यूटी करके आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला अचानक से टर्न लिया बिना बाईपास लाइट दिए हुए, अराउंड 50 का स्पीड था हम, मेरा ब्रेक ले लिए, ब्रेक लेने के बाद हम लोग स्लिप कर गए। चालक है